वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चार्ट कमांडो फ्रेंड्स। आपने देखा है कि ये जो लॉकडाउन का समय है और ये छुट्टियों का समय है, जो ये कंटिन्यू तीन दिन जो आ रही थी उस पर मैंने मैक्सिमम आपको देने की कोशिश करी है। मैंने जो लाइव स्ट्रीम में बोला था वो आपको पूरा करने की मैंने हर संभव प्रयास किया है फ्रेंड्स। थोड़ा बहुत मुझे तकलीफ हुआ होगा लेकिन मैंने वो प्रयास किया है। इस प्रयास का आप फायदा ले लो, इसका मैक्सिमम फायदा ले लो फ्रेंड्स, और आप इसका फायदा लेके मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंचाओ, खुद भी स्टडी करो। सोना नहीं सोने देना नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं फ्रेंड्स। ये वक्त कभी नहीं आएगा बाद में, जो इस लॉकडाउन के समय में आप जो आप करेंगे वो लॉकडाउन के बाद और या कोरोना के बाद 5 साल में आप क्या बनने वाले हो, ये पूरा इस पे डिपेंड है फ्रेंड्स। अभी देखिए, हमने इसके पहले जो प्राइस एक्शन पार्ट 5 था, यानी ट्रेंड लाइन पार्ट 1 था, वो वहां पे हमने देखा कि ट्रेंड लाइन किस तरीके किसे बोलते हैं, डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से वो निकालते हैं, उसके क्यों निकालते हैं, ये सब हमने देखा है। तो वो अगर पार्ट नहीं देखा होगा तो प्ले लिस्ट में जाइए, पहले वो पार्ट देखिए और फिर इस पे आइए फ्रेंड्स। तो हम चलिए शुरू करते हैं। अब हमें देखने की सीक्रेट्स ऑफ ट्रेंड लाइन, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम रिटेलर्स को बिगिनर्स को पता ही नहीं होती है, हम हमारे हिसाब से काम करने शुरू कर देते हैं। तो कुछ चीजें आपको पता होगी, कुछ चीजें पता नहीं होगी। जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं उसमें से कौन सा पॉइंट आपको पता नहीं था, बिल्कुल कमेंट में लिखिए और लाइक करिए फ्रेंड्स। तो हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, मैंने पीछे पॉइंट लिए थे और इसमें भी ले रहा हूं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस आर आल्सो ट्रेंड लाइंस फ्रेंड। जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन होते हैं वो भी ट्रेंड लाइन होते हैं। जैसे कि मार्केट ये इस तरीके से जा रहा है बराबर, और ये जो सपोर्ट ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ये भी इसको भी ट्रेंड लाइन बोलते हैं फ्रेंड्स। और ये जो इस तरीके से मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में जाता है, वो स्विंग हाई और स्विंग लो को जो कनेक्ट करते हैं उसको भी ट्रेंड लाइन बोलते हैं फ्रेंड्स। तो ये डायगोनल ट्रेंड लाइन होती है, और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन इसको बोल सकते हैं आप। तो ये ट्रेंड लाइन का ही टाइप होता है। आपको पता था क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी ट्रेंड लाइन बोलते हैं? अगर बहुत पता था तो यस बोलिए, अगर पता नहीं था तो नो बोल के टाइप करके कॉमेंट करिए फ्रेंड्स। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मैं ये बार बार कॉमेंट्स के लिए इसीलिए बोलता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आप भी एक्टिव रहोगे और आपके कॉमेंट पढ़ पढ़ के, आपके कॉमेंट सुन सुन के मैं भी मोटिवेट होता रहूंगा, और मैं और नए सब्जेक्ट आपके सामने लेता हूं, ला के आऊं, जो पिटारे में है वो सब कुछ आप पे नौछावर करूंगा। तो उसलिए मैं कमेंट किया आपको, बार बार कमेंट और लाइक के लिए मैं आपसे प्रार्थना करते रहता हूं। दूसरा बात, ड्रॉ इट लॉन्गर एंड फर्दर, आप बार बार सुनिए ये, ड्रॉ इट लॉन्गर एंड फर्दर। ये जो हम ये दो पॉइंट यहां पे टच हो रहे हैं बराबर, और ये ऐसा आ रहा है तो ये यहां तक ट्रेंड लाइन नहीं, ये पूरा ड्रॉ करिए, क्योंकि ये प्राइस एक्शन बाद में कैसे कहां जाएगा ये आपको पता चलेगा, और आप एंट्री एग्जिट इस प्रकार से आप तय कर सकते हो। इसलिए आपको ये पॉइंट किसी ने बताया नहीं होगा कि यहीं पे नहीं निकालना है, पूरा बहुत लंबा निकालिए और फिर आप आइडेंटिफाइंग कर सकेंगे कि प्राइस एक्शन क्या क्या होगा मार्केट में आने वाले दिनों में, वो भी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसका भी मैं चार्ट पे आपको बता देता हूं कि ये लॉन्गर कैसे निकालना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखिए, ये ड्रॉ लॉन्गर, ये देखिए, ये रिलायंस का चार्ट है 1 वीक का। यहाँ पे देखिए, ये पूरा ये 1 टच 2 टच 3 टच 4, और ये इसको टच नहीं पकड़ सकते, लेकिन 4 टच में वो ब्रेक कर चुका है। और ये अगर यहीं पे हम निकाल देते थे, आप देखिए सोचिए समझिए इस बात को, यहीं तक ही हम ट्रेंड लाइन ये निकाल देते थे तो हमें फिर जब ये रिट्रेसमेंट के लिए आया है, यहाँ का पता नहीं चलता ये पॉइंट को, और ये पॉइंट के बाद मार्केट बूम किस तरीके से भागा है फ्रेंड्स, भागता ही जा रहा है, अब तक भाग रहा था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ये यहाँ पे रिटेस्ट करने जरूर आएगा, इसलिए हमें ट्रेंड लाइन निकालते समय थोड़ा सा लंबा निकालना है। जिस तरीके से लंबा निकालेंगे तो हमें आगे की प्राइस एक्शन का भी उसमें पता चल जाएगा फ्रेंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट रूल आप मत भूलिए कि लॉन्गर हमें वो निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमें नेक्स्ट रूल देखना है, द मोर द टचेस द स्ट्रॉन्गर इट इज। जितने टच ज्यादा होंगे, जितने टच
ज्यादा होंगे उतना वो ट्रेंड लाइन स्ट्रांग होता जाएगा। हम फॉर एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये कंटिन्यू टचेस मारते जा रहा है एचडीएफसी बैंक का, और ये वीकली का चार्ट है फ्रेंड्स, यानी आप देख सकते हो कितने लॉन्गर टर्म तक तो वो सीधा ही ऊपर जा रहा था, 1 टच 2 टच 3 टच 4 टच 5 टच, इस तरीके से 6-7, तो इस तरीके से कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा है, और इसके बाद भी अभी ऊपर जा रहा था। तो इसका इस बात को समझिए फ्रेंड्स, जितने ज्यादा टचेस होंगे उतना चांसेस ये है कि ट्रेंड लाइन स्ट्रांग हो। और दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, द फ्लैटर द ट्रेंड लाइन इज मोर स्ट्रांगर। फ्लैटर द ट्रेंड लाइन यानी क्या होता है, समझिए मार्केट ऐसा 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 जा रहा है, फिर ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा जा रहा है, तो ये ऐसा स्ट्रेट लाइन हम जब हम निकालते हैं उससे, और ये फ्लैटर यानी इससे ज्यादा ये फ्लैट यानी बड़ा एंगल यहाँ पे बनता है, तो इसका मतलब ये फ्लैटर ट्रेंड लाइन ज्यादा भरोसेमंद होती है। ये जो सीधी निकलती है, क्योंकि मार्केट कभी भी सीधा नहीं जाता है फ्रेंड्स, तो इसीलिए ये फ्लैटर ट्रेंड लाइन जितना ज्यादा फ्लैट होगी उतनी स्ट्रांगर हो सकती है। चार्ट में भी देखेंगे फ्रेंड्स हम, कि यहाँ पे चार्ट में भी देखेंगे कि ये देखिए ये फ्लैटर द ट्रेंड लाइन, ये देखिए ये शॉर्ट है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे आप तो ये सीधा गई है, तो ये इस पे भरोसा नहीं कर सकते थे, ये नीचे आई और इधर ये साइडवेज मार्केट चला गया, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है ये पूरा पूरा फ्लैटन ट्रेंड लाइन है सर, इसलिए हम इसे भरोसा कर सकते हैं। और ये देखिए ये फ्लैटन ट्रेंड लाइन को अटैच होके यहाँ पे देखिए प्राइस एक्शन यहाँ पे चैनल बन चुका है, यहाँ पे ट्राइंगल और ये असेंडिंग ट्राइंगल जितना हाइट है उतना यहाँ पे टारगेट भी हमारा अचीव हो चुका है फ्रेंड्स। तो दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट, तो जितना फ्लैटन रहेगा ट्रेंड लाइन उतना भरोसेमंद रहेगा, उतना वो स्ट्रांग रहेगा फ्रेंड्स। तो वही आप ध्यान में रखिए, नोट करिए और इस पॉइंट को आप कंटिन्यू यूज करते रहिए फ्रेंड्स। तो मैं अगले पॉइंट पे जाता हूँ, एज लाइक ए सप्लाई एंड डिमांड जोन। आपको पता होगा कि सप्लाई और डिमांड जोन किसे कहते हैं, उस तरीके ही ट्रेंड लाइन को ट्रीट करिए। ये ट्रेंड लाइन यानी एक लाइन नहीं है, ये एक जोन है, इस तरीके से इसको ट्रीट करिए तो इससे हमें फायदा होगा, नहीं तो हम रॉन्ग ट्रेड में भी जा सकते हैं बराबर। तो इस तरीके से हमें जोन है, इस तरीके से हमें काम करना है। फॉर एग्जाम्पल समझो यही हम यहाँ का एशियन पेंट का अगर उदाहरण ले लेते हैं, तो ये देखिए यहाँ से अगर ये एक सीधा लाइन निकालते थे हम यहाँ पे, तो ये फिर ये देखिए यहाँ पे टच नहीं हुआ, यहाँ पे टच नहीं हुआ, बॉडी उधर है, ऐसा नहीं है, ये जोन पकड़ना है अपने को। तो ये ट्रेंड लाइन यानी एक जोन होता है, इस पे भी ये जोन पे हमें काम करना है, कैंडल क्लोज पे हमें काम करना है, ये आप सब ध्यान में रखिए। ये रूल भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और उसे हमने जोन की पर उसे ट्रीट करना है। नीड मिनिमम 2 टचेस, देखिए ट्रेंड लाइन अगर निकालनी है आपको तो ये देखिए ये मिनिमम यहाँ पे 2 टच है, तो 2 टच है तो वहां पे ट्रेंड लाइन आप निकाल सकते हो बराबर है। और कोई लोग बोलते हैं कि बहुत सारे टच होने के बाद वो निकालेंगे, लेकिन फ्रेंड्स आप खुद सोचिए फ्रेंड्स, अगर मोर टचेस रहेंगे तो अगर वो बेटर, ये भी मैं एग्री हूं कि बेटर, बट फॉर ट्रेडिंग दैट ट्रेंड लाइन इज नॉट हेल्पफुल एज ब्रेकिंग रिस्क इंक्रीजेस, क्योंकि मोर टचेस ऑलरेडी अगर हो गए हैं तो वो ट्रेंड लाइन पर कितना भरोसा कर सकते हैं हम। मैंने लाइव स्ट्रीम में एक पॉइंट बताया था कितने पॉइंट पे वो ब्रेक हो सकता है, जाइए लाइव स्ट्रीमिंग कल का देखिए पूरा 24 तारीख का, बहुत ही शानदार जानदार लाइव स्ट्रीमिंग है, बहुत सीखने को मिलेगा, लाखों रुपए देके जो कोर्स आप करते हो उसमें जो नॉलेज नहीं मिलेगा उससे ही भी 100 गुना ज्यादा नॉलेज लाइव स्ट्रीम में मिलता है फ्रेंड्स, उसको एंजॉय करिए। ये देखिए तो ये जितना ज्यादा टचेस हो गए उतना वो स्ट्रांग समझ के एंटर कर लेते हैं बिगिनर्स, और ये बूम ये नीचे नीचे गिरता है और मार्केट डंप हो जाता है फ्रेंड्स। तो ऐसा मत करिए आप, 2 टचेस पे ही ट्रेंड लाइन निकालिए और तीसरा और चौथा टच पे आप पैसा ही पैसा छापिए, इसलिए मैंने लिखा था टाइटल एक लाइन से करोड़ों रुपए कमाइए, तो बहुत ही हेल्पफुल चीज है। तो इसका भी मैं एग्जांपल चार्ट पे हम देखते हैं कि कौन से चार्ट पे हो सकता है। ये देखिए ये SBI का चार्ट का SBI बैंक का चार्ट है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक टच हो गया था, 2 टच हो गए थे, 2 टच 3 टच ये चौथा, लेकिन अगर इसको एक पकड़ा जाए तो 2 3 4 और ये चौथे पे ब्रेक हुआ है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, ये नीचे नीचे आ रहा था, लोगों को लग रहा है कि अब ये बार बार इस ट्रेंड लाइन को टच होके मार्केट गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, और यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स फंस जाते हैं, वो शॉर्ट कर बैठते हैं और यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस होते हैं, वो सब हिट हो जाते हैं फ्रेंड्स।
तो दिस इज इम्पोर्टेंट रीजन। तो जितने ज्यादा ये पहले दो टचेस पे भी आपको पता चल गया, तो ये तीसरे टच का आप इतना बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो फ्रेंड्स। तो हमें अलर्ट रहना है और ट्रेंड लाइन हमें अलर्ट कर देती है, तो उस तरीके से हमें काम करना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इफ टचेस आर रिसेंट देन ट्रेंड लाइन इज मोर स्ट्रॉन्गर, कि ज्यादा पुराने टचेस के मुकाबले अगर अभी अभी जो टचेस तैयार हुए थे वैसे टचेस अगर रहते हैं तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको गुड न्यूज है कि वो स्ट्रॉन्गर होती है जितना ज्यादा टचेस रिसेंटली होंगे। तो इसलिए रिसेंट टच को पकड़ने की कोशिश करिए ना, ताकि आपको अच्छा ट्रेंड लाइन मिले। ये यहाँ पे ऐसा ऐसा इसने टच किया था, बराबर इसको छोड़ दीजिए और इधर इधर गया और ये यहाँ पे ऐसा टच हुआ, तो यहाँ से ट्रेंड लाइन निकाल रहे हैं। तो ये टचेस को आप अवॉइड करिए, ये टचेस को आप कंसिडर करिए, तो दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू इन ट्रेडिंग। तो इफ ट्रेंड लाइन इज बिगर सॉरी लॉन्गर देन इट इज स्ट्रॉन्गर, कभी भी जितना ट्रेंड लाइन लॉन्ग होगा उतना वो स्ट्रांग होगा, बराबर है। अगर आप एशियन पेंट का चार्ट निकालते हो तो देखिए कितने सालों से वो इसी अप ट्रेंड में है और ये ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक कर ही नहीं पाया। दूसरी ट्रेंड लाइन यहाँ पे निकाली गई है तो ये ट्रेंड लाइन को भी वो टच नहीं कर, यानी तोड़ नहीं पाया। जितना लॉन्गर टर्म का ट्रेंड लाइन है जो उतना स्ट्रांगेस्ट वो बनता जा रहा है फ्रेंड्स। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखिए और उस हिसाब से ट्रेडिंग में आपके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें कुछ और भी चीजें हैं बताने लायक, तो उसमें भी मैं बताऊंगा आपको कि सबसे कुछ गलतियां, कुछ लोगों को क्या लगता है ये पेंटिंग का काम है और अच्छी अच्छी पेंटिंग निकालते रहते हैं। वो राज ने देखा ना कल वाले वीडियो में पहले क्या आप दिखा कैसे निकाल रहा था वो, तो ये हजारों राज लाखों राज मार्केट में घूम रहे हैं और राज ने राज कर रहे हैं मार्केट पे और इन्हों राज को ही फंसाया जाता है। तो आप इस जहां से मैं बताइए फ्रेंड्स, और ट्रेंड लाइन को पेंटिंग का धंधा मत बनाइए। ट्रेंड लाइन बहुत सारे मैं देखता हूँ ऐसे ऐसे चार्ट बना के इतने सुंदर चार्ट दिखते हैं। अरे सुंदर चार्ट को क्या चाटना है, क्या आपको प्रॉफिट आना चाहिए फ्रेंड्स, वो इंपॉर्टेंट है। चार्ट कितना सुंदर दिख रहा है वो नहीं इंपॉर्टेंट। सो ट्रेंड लाइन लेकिन डोंट ड्रॉ फोर्सफुली। अगर ये ऐसा ऐसा जा रहा है इधर इधर ऐसा जा रहा है तो ऐसा ऐसा घुमा के ये फोर्सफुली ट्रेंड लाइन निकालने का कोई मतलब नहीं है। निकलते नहीं तो छोड़ दो, दूसरा स्टॉक देखो, तीसरा देखो। अगर किसी कहीं पे भी नहीं मिलते हो तो उस दिन ट्रेड ही मत करो, छोड़ दो ना। एक आध दिन ट्रेड नहीं किया तो क्या होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि एक दिन अभी ट्रेड नहीं किया तो मार्केट खत्म और अभी इसी दिन प्रॉफिट होने वाला था, मेरे पिछले सब लॉसेस आज ही भर के निकलने वाले थे और ये ब्रोकर का ऐसा हुआ या मेरे अकाउंट में पैसे का ऐसा हुआ उसका ऐसा, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। मार्केट किधर भी भाग के नहीं जाने वाला है। आप बिल्कुल आपके लाइन पे, हमारी जो भी यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी दी गई है बार बार देखिए वीडियो जाके देखिए वो प्लेलिस्ट में देखिए और उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर स्टॉक आता है तो ही ट्रेड करिए फ्रेंड्स, बराबर। पहले आप उसको पेपर ट्रेड करके प्रैक्टिस करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बोनस पॉइंट मैं बोल रहा था वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वो पॉइंट जो है ये ड्राइंग ट्रेंड लाइन विथ बॉडी टू बॉडी और वीक टू वीक। बहुत जनों के ये सवाल होते हैं, इतने लोग ये सवाल पूछते हैं सर कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, बॉडी टू बॉडी करना है, वीक टू वीक करना है, वीक टू बॉडी करना है, बॉडी टू वीक करना है, इतने सवाल। अरे यार ये छोड़ दो, टेंशन मत लो, कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रहे हो। ध्यान में ये रखो कि मैक्सिमम एरिया कवर हो, मैक्सिमम हमारे पॉइंट्स कवर हो, ये ही ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। ये देखिए हमने यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन निकाली है, तो ये देखिए यहाँ पे एक टच हो रहा है, यहाँ पे तो ये इसको आके टच ही नहीं हुआ फिर भी यहाँ से निकालिए, ये यहाँ पे टच होके ऊपर क्लोज हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ये खाली वीक टच होके आई है, ये वीक है, ये बॉडी टू बॉडी आई है, ये बॉडी टू वीक, वीक टू बॉडी ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। आप अपने हिसाब से कंफर्टेबली ट्रेंड लाइन निकालो। अगर एक से एक दिग्गज जो ट्रेडर है मार्केट में उनको बैठाया जाए एक हॉल में, समझो एक हॉल में 100 लोग अगर बैठाए जाए और हर एक को ट्रेंड लाइन निकालने को बोलो, हर एक बंदे की ट्रेंड लाइन कुछ ना कुछ फर्क आएगा उसमें, तो ये चीज है। तो आप भी ट्रेंड लाइन अपने हिसाब से सीखिए, ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये सब कवर करिए और उस तरीके से हमें काम करना है फ्रेंड्स।
और इसके बाद भी बहुत सारे इसमें एडवांस कंसेप्ट है, ट्रेंड लाइन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, और पिच फोर्क, अगर आपने सुना हो, पिच फोर्क सुना है क्या आपने कभी? अगर सुना है तो हाँ बोल के लिखिए, अगर सुना नहीं है तो ना बोल के लिखिए, तो मुझे आगे समझ में आएगा कि आपको क्या सिखाना है क्या सिखाना नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरे वीडियोस थोड़े बड़े बड़े होते जा रहे हैं, तो इसके वजह से मैं थोड़ा सा उसमें पार्ट वन पार्ट टू करने का कोशिश कर रहा हूँ, और ज्यादा से ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचे और सही टाइम पे पहुंचे, सही वक्त पे पहुंचे और सही प्रकार से पहुंचे और सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। अगर मेरा प्रयास आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, अभी भी 12 बज चुके हैं और 12:15 बज चुके हैं, अभी मुझे अपलोड ये वो करने को और बहुत समय लगेगा, रोज मैं 3-4 बजे सो रहा हूँ, तो बिल्कुल थोड़ा मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ टारगेट्स भी है कि हमें एक सबसे बड़ी कम्युनिटी बनना है, सबसे बड़ा चैनल बनना है, वो भी है, और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना है, तो बिल्कुल आप भी इसका फायदा उठाइए और मैक्सिमम लोगों तक इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, यूं ही खुशियां बांटते रहिए फ्रेंड्स, बाय बाय नाउ।